हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे रीड और राइट ऑपरेशन के दौरान कोई एरर आ जाए, हम जब फाइल में रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पर कोई एरर आ जाए तो हमें उसे डिटेक्ट करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करता है एफ एरर, जो क्या लेता है, आपका एक फाइल पॉइंटर लेता है। अगर रीड और राइट के दौरान कभी भी कोई एरर आया होगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, नॉन जीरो वैल्यू कि आपका ऑपरेशन फेल हो गया है। ये रिटर्न करेगा जीरो अगर आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, अगर फेल हुआ है तो कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम इस फंक्शन की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि हमारे रीड और राइट में कोई एरर आया है या नहीं आया। अगर हमारे रीड राइट में कोई एरर आया है तो हम एक तो नॉर्मल प्रिंट एफ की हेल्प से हमारा एरर प्रिंट करा सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक और फंक्शन क्या है, पी एरर। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई मैसेज पास कर सकते हैं। और इससे क्या एडिशनल बेनिफिट होगा, इसके साथ जो एरर मैसेज कंपाइलर ने स्पेसिफाई किया होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा, पहले हमारा मैसेज जो हम देंगे, उसके बाद कोलन और फिर जो भी कंपाइलर का एरर मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा रीड राइट ऑपरेशन फेल क्यों हुआ। नाउ इसके साथ एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है FEOF। ये फंक्शन किस लिए एग्जिस्ट करता है, कि आप फाइल के एंड पर पहुंच गए हो या नहीं पहुंच गए हो। आप ये चेक कर सकते हो कि अभी आपका फाइल पॉइंटर फाइल के एंड पर है या नहीं है। अगर एंड पर है तो क्या देगा, ये वन देगा। अगर एंड पर नहीं है तो ये रिटर्न करेगा जीरो। एक बार इन तीनों का हम प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले हमारा एक फाइल पॉइंटर लिया, फिर इस फाइल पॉइंटर में हमने एफ ओपन की हेल्प से हमारी सैम्पल डॉट टेक्स्ट इस फाइल को ओपन किया है। ओपन किस मोड में किया है, राइट मोड में किया है। बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे और इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, रीडिंग के टाइम पे एरर आएगा, क्योंकि हमारा मोड क्या है, राइट मोड, और हम क्या कर रहे हैं, रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एरर आएगा और फिर हम उस एरर को एफ एरर की हेल्प से कैच करेंगे और जो भी हमारा एरर मैसेज प्रिंट करना होगा वो प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने सैंपल डॉट टेक्स्ट को राइट मोड में ओपन किया, फिर हमने नल चेक लगा दिया कि अगर ये फाइल ओपन नहीं हुई तो यहीं से रिटर्न मार जाओ। फिर हमने हमारा एक करेक्टर वेरिएबल लिया जिसमें हम फाइल का कंटेंट रीड करेंगे। फिर हमने एक लूप चलाया। लूप में हम क्या चेक करें, जब तक हमारा फाइल का एंड नहीं आ जाता। इस बार हम फाइल का एंड किससे चेक करें, हमारे FEOF इस फंक्शन की हेल्प से। ये क्या लेता है, आपका फाइल पॉइंटर, और रिटर्न क्या करेगा, वन, जब भी आपका फाइल का एंड आ जाएगा। तो हमने वही कंपेयर कर लिया, जब तक वन नहीं आता तब तक हम क्या करें, हम एक करेक्टर को रीड करें। अगर हमारे रीड के दौरान कोई एरर आ जाता है तो हम एरर प्रिंट कर दें और यहीं से ब्रेक मार जाएं। अदरवाइज हम क्या करें, हमारे करेक्टर को स्क्रीन पर प्रिंट करा दें। तो क्योंकि हमने राइट मोड में ओपन किया और हम रीड करें तो हमारा एरर मारेगा। तो पहले हमारा ये एरर मैसेज प्रिंट होगा, फिर कोलन, फिर सिस्टम जो भी एरर मैसेज देगा वो प्रिंट होगा, और लास्ट में हमने हमारी फाइल को क्लोज कर दिया। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर हमारा क्या आ गया, हमारा यहाँ से ये एरर मैसेज प्रिंट हो गया और कोलन के बाद सिस्टम ने एरर मैसेज दिया। यहाँ पर सिस्टम ने एरर मैसेज दिया, नो एरर, बट जनरली कोई मीनिंगफुल एरर आपका प्रिंट होगा। थैंक यू गाइज़।